डॉक्टर मनमोहन सिंह, कल्पना चावला, सुषमा स्वराज, किरण बेदी, किरण खेर, अनुपम खेर, आयुष्मान खुराना, इरशाद कामिल, जसपाल भट्टी, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील भारती मित्तल, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको बताएं इन सब में क्या चीज कॉमन है अपार्ट फ्रॉम बीइंग फेमस? इन सभी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आप भी कर सकते हो। अगर आपका सीयूटी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या फिर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया ही नहीं है तो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। नाउ द यूजुअल कोर्सेज जो एक कॉमर्स का बच्चा परस्यू करता है, जैसे बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इको ऑनर्स, दैट इज बीए इन इकोनॉमिक्स, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। मैं आपको क्विकली थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अपना प्रॉपर कैंपस है जो सेक्टर 14 चंडीगढ़ में लोकेटेड है। इट्स अ ब्यूटिफुल कैंपस। और पंजाब यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जो चंडीगढ़ में ही लोकेटेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ाई करना और एफिलिएटेड कॉलेजेस से पढ़ाई करना दोनों अलग बातें हैं, बट हाँ, आपको डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। तो अगर आप पीयू कैंपस में कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पे पीयू ऑफर करता है, तो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 2 जून से एप्लीकेशंस ओपन हो गई थी और 26 जून तक ये प्रोसेस चलेगा। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक क्विक आपको बात बता दूं, यहाँ पे जो बीकॉम है उसकी इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो अगर वो आपको सूट नहीं करती तो पीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस से बीकॉम करना आपके लिए बेटर होगा। नाउ पीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस के एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सेक्टर 11 में गवर्नमेंट कॉलेज है, एक कोएड है, एक अलग से सेक्टर 11 में गवर्नमेंट कॉलेज है ओनली फॉर गर्ल्स। देन सेक्टर 42 में गवर्नमेंट कॉलेज है, 46 में गवर्नमेंट कॉलेज है, सेक्टर 50 का कॉलेज काफी पॉपुलर है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी कॉम, बी बी ए, इस तरह के कोर्सेज। डीएवी कॉलेज है सेक्टर 10 में। देन गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26 में, एक यहाँ पे कोएड है, एक ओनली फॉर गर्ल्स है। देन एसडी कॉलेज वेरी पॉपुलर सेक्टर 32 चंडीगढ़, कोएड है ये। एमसीएम डीएवी कॉलेज वेरी पॉपुलर अगेन सेक्टर 36 ओनली फॉर गर्ल्स। देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन, ये सेक्टर 45 चंडीगढ़ में लोकेटेड है। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर आप पीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा dhe.chb.gov.in वेबसाइट पर। दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे फॉर्म्स आज से ही ओपन हो रहे हैं, 9 जून से आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और 22 जून तक आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। देन उन्होंने कहा है कि 2 जुलाई से आपको अलॉटमेंट शुरू हो जाएगी कॉलेजेस की और 5 जुलाई से एडमिशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, अगर आपको पीयू कैंपस में अप्लाई करना है तो pucd.ac.in पर आप विजिट करेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अगर कोई क्लास 11 का स्टूडेंट ये देख रहा है जो अभी अपना करियर प्लान कर रहा है, कि पीयू का एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत पॉपुलर है, बहुत रेप्यूटेड है, दैट इज बीकॉम प्लस एलएलबी या बीए प्लस एलएलबी। काफी अच्छा कोर्स है वो, बट उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अगर आप लॉ करने का सोच रहे हैं तो अगेन आपके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। ठीक है, और भी कोई अपडेट्स अगर आपको चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई वुड आंसर योर क्वेश्चंस। अगर जरूरत होगी तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू दैट।